Hello everyone, in this video I will teach you Accountancy Class 11th Chapter 1 Introduction to Accounting. ये accounting है क्या, इसकी meaning क्या है, इसके features क्या हैं, इसके advantages, disadvantages सब हम इस chapter में cover करेंगे. सबसे पहली चीज़ है कि accounting की definition क्या है, क्या है ये accounting नाम की चीज़. तो देखो, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई यानी ग्रुप करते हैं, समराइज छोटा करते हैं, एनालाइज इंटरप्रेट करके उनकी मीनिंग निकालते हैं और फिर जो यूज़र्स हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के उन तक जो रिजल्ट हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं. अब ये यूज़र्स कौन होते हैं? ये यूज़र्स कोई भी बिजनेस का ओनर हो सकता है, उसको जिसने उधार दिया क्रेडिटर हो सकता है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है तो गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है, एम्प्लॉयज़ भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से अपनी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं. तो जो अकाउंटिंग है वो हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में देती है, ये हमें बताती है कौन कौन से रिसोर्सेज एक कंपनी के पास हैं, कैसे कहाँ कहाँ उस रिसोर्स का यूज़ करा जा रहा है और क्या रिजल्ट मिल रहे हैं. जैसे कि कोई कंपनी है तो उसके पास कितना रिसोर्स है, कितना कैपिटल है, समझो 10 करोड़ का कैपिटल है तो अब वो कहाँ लगा हुआ है, शायद 5 करोड़ कहीं एसेट्स में लगा हुआ है, 4 करोड़ इन्वेंट्री में लगा हुआ है, 1 करोड़ कहीं और रिजर्व है, तो कहाँ वो लगा हुआ है, उससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग बताती है. अकाउंटिंग एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, इसीलिए हम लोग उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं. यहाँ आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ख़त्म होता है. अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग पर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंट्स का है आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ हम लोग वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स लिखते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है और उसे हम लोग पैसे के मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी वॉलेट में कितने पैसे हैं इसे हम मेज़र कर सकते हैं ना, किसी के में 1000 रुपये होंगे, किसी के में 2000 रुपये होंगे, किसी के में 5000 रुपये होंगे, उसको हम लोग नंबर फॉर्म में, मनी फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं. पर हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, हमने कितना हार्डवर्क किया, इसको तो हम लोग मनी में मेज़र नहीं कर सकते ना, तो फिर वो चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं. सेकेंड पॉइंट यही है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन. पहले हमने वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है और मनी के टर्म्स में मेज़र हो सकते हैं. अब वो मनी के टर्म में हम लोग मेज़र करेंगे. ट्रांजैक्शन जिसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है उसे हम लोग हमेशा मनी में मेज़र करेंगे. ऐसी चीज़ें जो मेज़र नहीं कर सकते जैसे हार्डवर्क, एम्प्लॉयज़ का अच्छाई बुराई, मैनेजमेंट टीम की क्वालिटीज़, वो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम लोग लिखते भी नहीं हैं हमारी अकाउंट्स की बुक में. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स है रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ये जो ट्रांजैक्शंस है उसे हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मनी के में मेज़र करके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं, जिसका नाम है जनरल. अगर कोई पूछे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है तो वो है जनरल, जर्नल, जर्नल. फोर्थ है क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह ग्रुप करते हैं. फॉर एग्जांपल, सारे परचेजेस एक परचेज अकाउंट में होंगे, कोई क्रेडिटर है हमारा ए, उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन ए के अकाउंट में होंगे, जितने भी जो ओनर के ट्रांजैक्शन है, पैसा लाया, पैसा निकाला, वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में होंगे. तो ये हम लोग क्लासिफाई करते हैं. जो हम लोगों ने जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे थे उसको हम लोग पोस्ट करते हैं किसमें, मेन बुक ऑफ अकाउंट, और वो कौन सी है, लेजर है. कंफ्यूज मत होना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल है और मेन बुक ऑफ अकाउंट लेजर है. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है समराइजिंग. समराइजिंग क्या होता है, इसमें जो हमने क्लासिफाइड डेटा है उसे प्रेजेंट करते हैं ऐसे फॉर्म में कि दूसरे लोग उससे अपने मतलब की चीज़ें समझ पाएँ. इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस, लेजर में हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस बनेगा फिर उससे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे. फाइनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, नाम अभी देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
कंपनीज के केस में इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है, और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनल अकाउंट्स है जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हम लोग समराइज करते हैं। अभी आगे के चैप्टर्स में ये ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स हैं। सिक्स कैरेक्टर सिक्स ऑफ अकाउंटिंग होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसका एनालिसिस करना, उसको समझना और इंटरप्रेट करना कि वो क्या बता रहा है, ये हमारा सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइनेंशियल डेटा का, जिससे जो लोग है वो उससे अपना मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सके कि ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहाँ है, ये सब मीनिंग निकालना हमारा सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग। जब हमने एनालाइज कर लिया, हमने इंटरप्रेट कर लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जो भी रिजल्ट है उन्हें यूजर्स को बताएंगे, उन्हें समझाएंगे। फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट यूजर्स। अभी मैंने पहले यूजर्स बताए थे, ओनर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, रिसर्चर्स, ये सब लोग यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जिनसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, तो ये हम लोग किसे देंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो समय पे मिलनी चाहिए यूज़र्स को, ताकि वो अपना डिसीज़न सही टाइम पे सही से ले सकें। जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे टाइम पे एक कंपनी की ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब मिलना चाहिए, ताकि मैं अपना डिसीज़न टाइम पे ले सकूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। इस लेक्चर में इतना ही। हमने जाना डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और एट्रीब्यूट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तब तक के लिए थैंक यू।